हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा ज़रूर, साथ में उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके दोस्त फ्रेंड जो कि ट्रैवल करते हैं, कहीं सिटी से बाहर जाते हैं और उनको होटल लेकर के रहना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कॉलेज लाइफ में यार बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वीडियो को आप आगे तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि इसी तरह की जो न्यूज़ है, जो अपडेट्स है, वो आपको मिलते हैं मेरे चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ओयो के बारे में, क्योंकि एक होटल है जिसका नाम है बसंत पैलेस। एक कहानी मैं पहले आपको सुना देता हूँ। पांच जो दोस्त हैं वो गए हुए थे उत्तराखंड घूमने के लिए। वहाँ पे उन्होंने होटल बुक किया जिसका नाम है बसंत पैलेस। और मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आप रहते हो तो किसी अच्छे होटल में रहो। साथ ही मतलब स्पेशली अगर बात करूँ कपल फ्रेंडली होटल के लिए, तो जो भी मतलब अच्छे होटल्स होते हैं जिनकी रेटिंग्स अच्छी होती है, थोड़े मतलब महंगे हों, तो उस तरह के होटल में रहो। वो होटल बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। तो बसंत पैलेस आप जा करके सर्च करके देखना, ये होटल आपको मेक माई ट्रिप में भी मिल जाएगा, गोवा बीबो में भी मिल जाएगा और ओयो में भी मिल जाएगा। ओयो का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल ये होटल आपको कहीं पे भी लिस्टेड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब से ये केस हुआ है उसके कुछ टाइम बाद तक ये होटल लिस्ट था, लेकिन अभी ये फिलहाल जो है ये होटल हट चुका है। प्रॉब्लम क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। पाँच जो दोस्त है वो गए थे, जिनमें से तीन जो है वो फीमेल थे यानी लड़कियाँ थी, दो जो थे वो मेल थे यानी लड़के थे। अब यहाँ पे इन लोगों ने दो जो कमरे हैं वो बुक किए हुए थे। अब जब ये रात को सो रहे थे तो उस टाइम पे अंधेरे में, पूरा लाइट्स वगैरह ऑफ था, अंधेरे में इन्होंने जब मतलब पंखे पे देखा तो वहाँ से रेड कलर की एक लाइट जो है वो दिखाई दे रही थी। तो इस वजह से फिर उन्होंने क्या किया, पूरा चेक वगैरह किया। चेक करने के बाद में जब वो देखे तो पंखे के बीच में एक स्पाई छोटा सा कैमरा जो है वो लगा हुआ था। उसके बाद में उन्होंने ये कैमरा निकालने के बाद मोबाइल वगैरह से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए उसके प्रूफ के लिए, और फिर जा करके होटल की जो अथॉरिटी होती है, मैनेजर्स होते हैं, उनको जा करके इसका कंप्लेन किया। तो होटल वाले इस बात को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और उस बात को दबाने का कोशिश करने लगे। फिर जा करके इन्होंने 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस को बुलाया। पुलिस जा करके जब टोटल छानबीन की तो छानबीन करने पे पता चला कि बहुत सारे ऐसे कैमरास हैं जो कि अलग अलग रूम में लगे हुए हैं। लगभग सभी रूम जो हैं कैमरा लगे हुए थे सभी रूम में, और यहाँ पे बहुत सारे कैमरास जो है वो निकले। अब उसके बाद में पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ जो भी मतलब इस होटल के मालिक थे उनको है अंदर कर लिया गया है। इसका प्रूफ के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप जा करके नेट पर सर्च कर लेना यार, बसंत पैलेस न्यूज़ मतलब जा करके आप सर्च कर लेना, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पे जो उनके ऑनर हैं वो फिलहाल अरेस्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे पुलिस आगे भी छानबीन कर रही है कि इसमें से जो जो वीडियोस बने हुए हैं वो वीडियोस किसी और वेबसाइट को, किसी भी पॉर्न वेबसाइट को बेचा तो नहीं गया। इन सभी के बारे में पुलिस जो है वो फिलहाल छानबीन कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जितना भी ज़्यादा हम सिक्योर हो जाएं, यहाँ पे सिर्फ मैं ओयो की ही बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि होटल जो है वो तो बहुत बढ़िया था, इसकी रेटिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी डिपेंड करता है ये सिर्फ इंसानों के ऊपर में कि वहाँ पे किस तरह के इंसान रहते हैं। तो आप कभी भी आगे अगर किसी भी में चेक इन करते हैं तो बिल्कुल एकदम सतर्कता बरतें, साथ ही साथ जाते के साथ ही हर एक चीज़ों को अच्छे से चेक कर लें, बाथरूम वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही आप चेक इन करें। रूम को पहले अच्छे से चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें जो भी स्पाई छोटे छोटे कैमरा होते हैं, मैं यहाँ पे आपको वीडियो में ही बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी छोटे से छोटे कैमरा को फाइंड कर सकते हो, खोज सकते हो। होटल में चेक इन करते ही आप अपने मोबाइल फ़ोन के यूज़ से जो भी कैमरा है आसपास में सभी कुछ का पता लगा सकते हो। इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो यार जाकर के जरूर कमेंट में बताना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं मिलता हूं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बस सतर्क रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।